नमस्कार, मैं अजय कुमार। मदन बिहार के सबसे पिछड़े इलाके में रहते हैं। यह नाम भी भारत के 86.2% किसानों की आबादी में से एक नाम है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और खेती करने लायक 0.25 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसमें से उन्होंने 1/4 जमीन पर मक्के की फसल उपजाई। अपनी जमीन की निराई गुड़ाई पर उन्होंने खूब मेहनत किया। खरपतवार बड़े हुए तो खुद दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी में खेत में बैठकर खुरपी से उसे साफ किया। जमीन ऊपर नीचे थी तो उसे बराबर करने की कोशिश की। हर दिन खेत में पहरेदारी दी। इसके बाद बारिश और मौसम की मार झेलने के बाद तकरीबन 70 किलो मक्का हुआ। लेकिन मक्का अचानक तो मिलता नहीं है। खेत से मक्के का बाल लाकर इसकी सफाई करनी पड़ती है। जब मदन और उनके 2 बच्चे सफाई कर रहे थे तो उस समय मौसम का मिजाज भी बदल रहा था, इसलिए मक्के को साफ करते समय उन्हें वायरल बुखार भी हो गया। इसमें से तकरीबन 1000 रुपए का खर्च इस वायरल बुखार पर आया। इस समय उनके इलाके में 12 से 15 रुपए किलो मक्का बिक रहा है, यानी 70 किलो मक्के की कुल कीमत 840 रुपए से लेकर 1050 रुपए तक है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि मक्के पर मेहनत कितनी की गई और मक्के से पैसा कितना मिला। इसके साथ आप यह भी समझिए कि जब यही मक्का सिनेमा हॉल की सीट पर बैठकर कोई खाता है तो कितने रुपए देता है। जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, उसके 1 कप की कीमत तकरीबन 500 रुपए से अधिक होती है। मदन की इस कहानी को सुनकर अगर हमारे मन में थोड़ा दुख पैदा होगा तो हम सोचेंगे कि काश मदन को अपनी मेहनत की वाजिब कीमत मिल पाती। लेकिन यही तो दुख है कि हर तरह से गैर बराबरी वाले समाज में केवल दुख और अच्छे की कल्पना कर देने भर से कुछ नहीं होता है। उसके लिए एक जायज सिस्टम बनाना पड़ता है, और अगर यही सिस्टम नहीं होता है तो उस सिस्टम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर आप सिस्टम बनाने की सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि कृषि उत्पादों का ऐसा बाजार बने जहां पर फसल बेचने के बाद वाजिब कीमत मिले और सब लोग जाकर वहीं पर फसल बेचें। यह बिल्कुल सही दिशा में सोचा गया कदम होगा। इसी हिसाब से सोचने के बाद APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, कृषि विपणन समितियां यानी मंडियों की अवधारणा हमारे सामने आई। लेकिन सोचने और योजना बना देने से सब कुछ हो जाता तो इस दुनिया में गरीबी और जुल्म कब का खत्म हो चुका होता। हकीकत यह है कि देश में 86.2% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और इनमें से औसतन एक किसान के लिए मंडी की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर पड़ती है। जबकि नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क ने यह सुझाव दिया था कि एक किसान और मंडी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से पूरे देश में 42,000 मंडियों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में केवल 7,000 मंडियां हैं। चूंकि कृषि राज्य सरकार का विषय है, इसलिए ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ APMC एक्ट को लागू नहीं किया। बिहार भी उनमें से एक है। बिहार के लिए तर्क दिया गया कि बिहार में किसी तरह का APMC नहीं बनेगा, यानी किसी तरह की मंडियां नहीं होंगी, जिसको जहां मर्जी वहां अपने कृषि उत्पाद को वह बेच सकेगा। इससे प्रतियोगिता बनेगी, और जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन जो सोचा गया उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। APMC कानून के तहत यह प्रावधान होता है कि किसानों को अपनी फसलों को APMC द्वारा रजिस्टर्ड खरीदार के पास ही बेचना होगा। यह सरकार का कृषि बाजार में किया हुआ इंटरफेरेंस होता है। इसी वजह से फसलों पर मिलने वाला MSP भले कहीं मिले या ना मिले, लेकिन APMC की मंडियों में जरूर मिल जाता है। इसलिए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने APMC एक्ट को अपनाया और अपने यहाँ मंडियों की व्यवस्था की। वहां पर तो सरकार की MSP ठीक से पहुंच पाई, लेकिन बिहार इससे अछूता रह गया। इसी वजह से बिहार में जिस अनाज की कीमत
1000 रुपए क्विंटल भी पार नहीं कर पाती है। उसी अनाज की कीमत हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में 1800 से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक को पार कर जाती है। इससे यह साफ निष्कर्ष निकलता है कि खेती किसानी में सरकार के रेगुलेशन का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। जहां पर रेगुलेशन नहीं है और सब कुछ प्राइवेट खरीदारों के हाथ छोड़ दिया गया है, वहां की स्थिति बहुत बुरी है। खेती किसानों से जुड़े जिन 3 कानूनों को लेकर किसानों का सरकार से जमकर संघर्ष हो रहा है, उनमें से एक कानून ऐसा ही है जो एपीएमसी एक्ट के खात्मे की बात करता है। केंद्र सरकार ने नया कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन ऑर्डिनेंस 2020 एपीपीटीसी नाम से एक्ट बना दिया है, जिसका मकसद कृषि उपज विपणन समितियों के एकाधिकार, उनकी मोनोपोली को खत्म करना और हर किसी को कृषि उत्पाद खरीदने बेचने की परमिशन देना है। इस कानून का आखिरकार असर क्या होगा? बिहार के उदाहरण के जरिए तो यह बात बताने से समझी जा सकती है, लेकिन अब इसे जरा आप थ्योरेटिकल ढंग से भी समझते हैं। मंडियों में ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं हैं, मंडियों की परेशानियां भी भरमार हैं। किसानों का यहां भी जमकर शोषण होता है। आढ़ती और बिचौलिए कम दाम में उत्पाद खरीदते हैं और बहुत अधिक दाम में अंतिम व्यापारी को बेचते हैं। तो इन परेशानियों को खत्म करने के लिए कहा जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था बने, ऐसा सिस्टम बने जिसमें अंतिम व्यापारी आकर किसानों से कुछ सामान खरीद ले, बिचौलियां ना हो, भरपूर कंपटीशन हो और किसानों को अपनी फसल का वाजिब कीमत मिल जाए। सरकार भी यही बात कर रही है, लेकिन बिहार का उदाहरण सरकार के सामने है। सरकार यह नहीं कह रही है कि जो भी खरीदार किसान से फसल खरीदेगा वह किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पैसा ही देगा। सरकार यह नियम नहीं बना रही है। इसी तरह से बिना ऐसे सरकारी हस्तक्षेप के होगा कि यह पूरे देश के किसान को बिहार की तरह बदहाल हो जाएंगे। एपीएमसी में यही तो फायदा मिलता है कि फसल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेची जाती है। अगर यह नियम बना दिया जाए कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे और दूसरी जगहों पर एपीएमसी की मंडियों में लगने वाले 6% टैक्स की तरह टैक्स नहीं लगेगा, तो यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार कौन सा किसान व्यापारी एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों में खुद को रजिस्टर्ड करवाकर खरीदार बनेगा, जब यह कानून ही नहीं होगा कि किसान की उपज खरीदने वाले खरीदार एपीएमसी मंडियों में रजिस्टर्ड खरीदार ही होंगे, तो कैसे किसान तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत पहुंच पाएगी? सरकार कहती है कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सरकार का यह तर्क पूरी तरह से गलत है। भले कानून में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन एपीएमसी में बदलाव की वजह से सारे रिजल्ट ऐसे निकल रहे हैं जिनका साफ इशारा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का खात्मा हो जाएगा। एक सर्वे का अनुमान है कि तकरीबन 51.4% किसान अपने लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसान हित के नजरिए से सबसे पहले नंबर पर रखते हैं। इसलिए कई किसान संगठनों का कहना है कि सरकार चाहे तो पूरी कृषि बाजार को मुक्त कर दे, लेकिन एक कानून बनाकर यह निश्चित भी कर दे कि किसी भी फसल की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम भारत के किसी भी इलाके में नहीं दी जाएगी। पहले भी किसानों का बहुत छोटा हिस्सा ही एपीएमसी की मंडियों में अपने उत्पाद बेच पाता था, बहुत बड़ा हिस्सा एपीएमसी के मंडियों से बाहर रहता था। इन किसानों के साथ अगर अब तक भला नहीं हो पाया तो आगे कैसे भला हो सकता है? कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि एपीएमसी के अधिकार को हटाकर सबको खरीदने बेचने की पूरी आजादी देकर किसानों को वाजिब दाम मिलेगा? इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि भारत जैसे गैर बराबरी वाले मुल्क में
किसानी एक ऐसा उद्यम है जिसमें करोड़ों मदन जैसे किसान भरे पड़े हैं। इनकी फसल को वाजिब दाम मिले, इसके लिए जरूरी है कि सरकार कृषि फसल के बाजार को लोकहित में नियंत्रित करे और इस तरीके से बनाए कि सबको खरीदने बेचने की आज़ादी मिले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि किसानों का जमकर शोषण होता रहे। शुक्रिया।